अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बिना ऑयल के, बिना घी के बहुत ही कमाल की चिकन कढ़ाई की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो ये ऑयल और घी के बगैर कैसे बनेगी, इसके लिए आपने रेसिपी को पूरा वॉच करना बिना स्किप किए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए जी, मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। चिकन हमने बोन वाला लेना है, मतलब हड्डी वाला हम चिकन लेंगे, जो थाई और लेग वगैरह होता है। इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट करके डाला था। एक ही मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, वो भी हमने छोटे छोटे क्यूब में कट करके डालना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी 1 टेबलस्पून भरकर। अब कुछ मसाले डालूंगी इसके अंदर, बहुत थोड़े मसाले जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही यूनिक किस्म की हमारी ये चिकन कढ़ाई बिना ऑयल और बिना घी के बनने जा रही है। सुर्ख मिर्च का पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, नमक डालूंगी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालूंगी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा डालूंगी सफ़ेद वाला 1 टीस्पून, लास्ट में इसके अंदर हम चिकन कढ़ाई मसाला वो डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। और इसके अंदर हम आधा गिलास पानी डालेंगे, सिर्फ आधा गिलास ही पानी डालेंगे, ज़्यादा हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ेगा, टमाटर भी पानी छोड़ेगा, चिकन भी छोड़ेगा, इसलिए हमने पानी का यूज़ बहुत कम करना है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको हमने 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पका लेना है। पहले 2 मिनट हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जब इसके अंदर हीट वगैरह बन जाए तो फिर इसको हमने मीडियम लो फ्लेम पे रख देना है 8 मिनट के लिए। ये देखिए जी, 10 मिनट हो गए। अब चेक करते हैं कि हमारा चिकन सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए माशाल्लाह, चिकन हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया और हमारा जो टमाटर और प्याज वगैरह थे वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया। अब अच्छी तरह हमने इनको मिक्स कर लेना है, ये जो चंक्स हैं वो भी अच्छी तरह मैश हो जाएं। इसके अंदर हम एक कतरा भी ऑयल का या फिर घी का नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी ये इतनी कमाल की, इतनी यूनिक किस्म की हमारी रेसिपी बन के रेडी होगी कि यकीन माने सारे उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी कमाल की रेसिपी बनती है। अच्छी तरह हम प्याज और टमाटर को मैश कर लेंगे और थोड़ा सा इसको भून भी लेंगे। इसी पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। और अपनी कीमती राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर किया कीजिए और मुझे बताया करें कि किस किस कंट्री से आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, ताकि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूँ। ये देखिए जी, अच्छी तरह हमने भून लिया। अब लास्ट पे इसके अंदर एक प्याली भरकर मैं डालूंगी दही। दही को हमने फेंट के डालना है, ऐसे नहीं डालना, और अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। जब हम दही डालेंगे तो नीचे हम बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम दही नहीं डालेंगे, नहीं तो दही हमारी अंदर जाकर फट जाएगी। तो इसलिए हमने मीडियम लो फ्लेम पर ही दही को डालना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। ढक्कन देकर इसको हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए जी, दही डालकर हमने 5 मिनट चिकन को पका लिया था। अच्छी तरह भून लेंगे इसको। देखिए माशाल्लाह कितनी ग्रेवी इसकी यूनिक और बहुत ही लाजवाब किस्म की बनके, चिकन भी हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया और साथ में ग्रेवी भी हमारी अच्छी तरह भुन गई। बस 1-2 मिनट इसको हम भून लेंगे। देखें ज़रा इसकी ग्रेवी चेक करें और इसका मसाला देखें, कितना यूनिक और कितना ये क्रीमी सा इसका टेक्चर आया।
ये लग ही नहीं रहा हमने बिना ऑयल बिना घी के बना के रेडी की है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने घी में इसको अच्छी तरह भुना है। ये बहुत ही हेल्दी वे से आज हमने चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर किया, इसलिए रेसिपी को आप पूरा वॉच कीजिएगा। अब 2-3 हरी मिर्ची कट करके ऊपर मैं डालूंगी, लंबाई में कटी हुई, आप छोटे छोटे क्यूब में भी कट करके डाल सकती हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। हरा धनिया ऐसे मैंने पत्ते ही उतार के डाले हैं, वो यूनिक लगते हैं इस तरह। और इसको हम कवर करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। लास्ट पे इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे जो हर रेसिपी की जान होता है। चिकन भी हमारा अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो गया, बहुत अच्छी तरह गल गया, और हमारा जो मसाला है वो भी बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही लाजवाब किस्म का बन के रेडी हुआ है। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे, चावलों के साथ बेहद मज़ेदार लगेगा। बहुत यूनिक रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे स्पेशल इसको बनाइएगा, यकीन माने मेहमानों के आगे बना के रखेंगे तो मेहमान इसकी रेसिपी पूछे बिना कभी भी नहीं जाएंगे। चलते हैं इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने प्यारी सी एक प्लेट ले ली है, प्लेट के अंदर हम सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना यूनिक, कितना लाजवाब हमारा बिना ऑयल बिना घी के ये चिकन कढ़ाई बन के रेडी हो गया। देखें इसकी ग्रेवी चेक करें, और लग ही नहीं रहा ये हमने चिकन बगैर ऑयल और बगैर घी के बनाया है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने चिकन के अंदर इसको अच्छी तरह भून के बनाया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को बेहद ये रेसिपी पसंद आने वाली है। और चिकन हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट होकर मसाला भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही चटपटा सा बना है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 फटाफट से जोके तमाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।